भक्ति के लक्षण में धारावाहिक सांग बता इसका मैं उल्लेख करते हैं। तो दैनिक चर्याओं में आदमी की बहुत सारा स्नान करना, कपड़े धोना, रोटी बनाना और काम करना, उसके धारावाहिकता का क्या स्वरूप आदमी के पिंड रहता है, ये समझने की जिज्ञासा है। उन्होंने भक्ति का लक्षण भागवत से ही किया। मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्प गुहाशय मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगा वसो बुधौ लक्षण भक्ति योग से निर्गुण से युदाहरण। भागवत के तीसरे स्कंध में कपिल देव जी ने निर्गुण माने गुणातीत भक्ति का स्वरूप जो बताया वो ये है कि भगवान के गुणों का श्रवण मात्र होने से सबके हृदय में विराजमान जो भगवान है उनमें अपने मन की गति ऐसी हो जाए जैसे गंगा जी की धारा निरंतर समुद्र में गिरती है, ये भागवत का लक्षण है। वहीं से मधुसूदन सरस्वती जी महान पूरा लक्षण द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिक सांगता सर्वे से मनसो भक्ति भक्ति रुचे। पहले भागवत धर्म का माने पूजा करके नाम जप करके अपने मन को पिघला दिया जाए, तो पिघलाने का अर्थ ऐसे होता है कि जैसे अलीगढ़ में ताले बनते हैं ना, तो उस धातु का नाम सीता होता है, तो खूब खूब माने आँच देने पर वो थोड़ा पिघलता है, लेकिन खूब खूब आँच दी जाए तो बिल्कुल द्रव हो जाए। तो भगवान के विरह की व्याकुलता जब हृदय में आती है और उसकी गर्मी लगती है तो हृदय पिघल जाता है। तो पिघलने से दो बात हो जाती है, एक तो जो कठोरता होती है कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, यही कठोरता है अंदर में, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ये धन मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये संबंधी मेरा है, और ये मैं हूँ बड़ा विद्वान ईश्वर निशानी, यही चित्त की कठोरता है। तो जब भगवान का विरह व्यापता है और उसकी आँख से हृदय द्रवित होता है तो मैं मेरा की जो कठोरता है वो टूट जाती है, द्रवित हो जाता है। और फिर जब उसको भगवान की ओर बहाते हैं, प्रभावित करते हैं, तो जैसे एक परे एक परे एक परे गंगा जी की धारा समुद्र में गिरती है, वैसे हमारे चित्त वृत्ति की धारा भगवान की ओर प्रवाहित हो जाती है। तो इसी धारावाहिक प्रेम पूर्वक भगवान की ओर जो धारावाहिक वृत्ति है इसको भक्ति कहते हैं, ऐसा मंत्री ने सरस्वती जी ने लक्षण किया है। अब जिनमें गलाई हुई चीज चाहे सोना हो चांदी हो चाहे लाभ हो, जब गलाने के बाद जिस सांचे में उसको डाल देते हैं उसी शकल की हो जाती है। तो अपने चित्त वृत्ति को गलाकर जब भगवान के आकार की ओर प्रवाहित करते हैं तो जैसे सांचे में डालने से चित्त वृत्ति ढल जाती है वैसे वो भगवद आकार हो जाती है। और जब भगवद आकार हो जाती है तो अंत कर्णावच्छिन्न चैतन्य वो आकार भगवद आकारावच्छिन्न चैतन्य से एक हो जाता है, तो हंसता है, बोलता है, खेलता है, वरदान देता है, ऐसे भक्ति के स्वरूप का मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन में चिंतन किया है। उसी को हमारे अद्वैत संप्रदाय में उसी भक्ति को भक्ति मानते हैं। और जो दूसरे लोगों ने दूसरे ढंग से भक्ति मानी है उसको नहीं मानते हैं। भक्ति रसायन में जो भक्ति रस की निष्पत्ति है उसी को स्वीकार करते हैं। और मधुसूदन सरस्वती जी और गोस्वामी जी तुलसीदास जी ये बहुत ही मित्र थे आपस में, दोनों का मिलना जुलना बातचीत होती रहती थी, इसी से रामायण में भी मधुसूदन सरस्वती के साथ बहुत। और ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी और महाकवि कर्णपूर, इन लोगों ने जो भक्ति का लक्षण किया है
वो जरा मधुसूदन सरस्वती से अलग पड़ता है। वो धारावाहिकता दिनचर्याओं में। अच्छा हाँ, अरे वो तो ध्यान गया। असल में किसी में मुख्य होता है उद्देश्य। जैसे हम सवेरे उठ के मलमूत्र का त्याग करने के लिए गए, तो क्यों गए? जब मलमूत्र का त्याग करने से शरीर हल्का होगा और स्नान कर लेंगे और निश्चिंत होकर भगवान का भजन करेंगे, तो मलमूत्र का त्याग भी भगवान की भक्ति में मददगार है। किसी प्रकार कोई रोटी बनाता है किसके लिए? भगवान के लिए, भोग लगाने के लिए। तो जिसके लिए काम किया जाता है उसकी स्मृति में बाधा नहीं पड़ती है। यदि भगवान के लिए रोटी बनावे तो याद करते भी रहो और रोटी बेलते भी रहो, कोई हानि नहीं है। कहीं भगवान का विस्मरण नहीं है। झाड़ू लगाओ और भगवान इस रास्ते से आवेंगे और सबरी देखे ले सपनमा, आज घर रामा है ना। तो ये तो हमारे गांव में ऐसे बोलते हैं भाई, और पंडित सब को कुछ और जानते होंगे। सबरी देखे ले सपनमा, आज घर रामा नहीं है ना। तो वो झाड़ू जो लगाती थी रास्ते में, जो फल फूल ला के रखती थी और जो बड़े प्रेम से रास्ते की ओर देखती थी, अब आते हैं अब आते हैं। तो काम कुछ भी करे परंतु यदि उसमें भगवान की भगवान के लिए करे तो भगवान की स्मृति में कोई बाधा नहीं पड़ती है। मौज से रसोई बनाओ, रोटी बनाओ, खाओ पियो, मन मूत्र त्याग करो, सो जाओ। तो सोने के बाद उठेंगे तो इसकी प्रवृत्ति बिल्कुल ठीक रहेगी और भगवान का भजन करेंगे। तो जहाँ उद्देश्य भगवान का भजन हो जाता है वहाँ सारी क्रिया भगवान के लिए हो जाती है। यही बात भागवत के उसमें है, काये न वाचा मन से इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावा प्रकृति स्वभावात् करोति यज्ञ सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत् कृत्वा समर्पयेत् कुर्वन् समर्पयेत् करिष्यमाणः समर्पयेत्। ये काम करना है तो भगवान के लिए करना है, ये काम कर रहा हूँ तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये काम कर लिया तो भगवान के लिए कर दिया। तो करिष्यमाणः समर्पयेत्, कुर्वन् समर्पयेत्, कृत्वा समर्पयेत्, हर हालत में भगवान के प्रति समर्पण होता रहता है। और यही उस काम भले कोई भी करो पर जब भगवान के उद्देश्य से होगा तो वो भगवान की भक्ति हो जाएगी। श्री परम पूज्य महाराज जी सारे प्रणाम। तत्वार्थ रामायण डोंगरे जी की रामायण में पृष्ठ 536 में लिखा है, शबरी प्रसंग में, मतंग ऋषि एक हाथी को मारते और संपूर्ण वर्ष इस हाथी का मांस खाकर भक्ति करते थे। इससे सब ऋषि मतंग ऋषि की बहुत निंदा करने लगे। तब मतंग ऋषि ने कहा, मैं तो वर्ष में एक ही जीव मारता हूँ, तुम असंख्य जीवों को रोज मारते हो। इससे मालूम होता है कि पहले ब्राह्मण ऋषि मांस खाते थे, क्या इसका कहीं प्रमाण है किसी आर्ष ग्रंथ में? कृपया संदेह मिटाने की कृपा करें। आपका तुच्छ है। देखो डोंगरे जी के रामायण में क्या लिखा है ये तो हमको मालूम नहीं है, हमने कभी पढ़ी नहीं। और रही बात कि पहले मतंग ऋषि ब्राह्मण थे, ये भी अप्रामाण कही है। और सबरी भी ब्राह्मण थी, ये भी अप्रामाणिक है। छोटी छोटी पुस्तकों में कहीं कहीं ऐसी बात लिखती रहती है। तो पहले आप पता लगावे कि मतंग ऋषि कौन थे, वो रोज हाथी मारते, साल में एक बार हाथी मारते थे कि नहीं मारते थे, हैं? और डोंगरे जी की बात में प्रामाणिकता पूछना हो तो उन्हीं से पूछना चाहिए, हम लोगों से नहीं पूछना चाहिए। हम एक प्रामाणिक अप्रामाणिक कोई बात कर दें तो एक विवाद खड़ा हो जाए और हमारे प्रेम परस्पर में बाधा पड़ जाए। तो ये काम आप स्वयं ही कर लीजिए, हमसे मत पूछिए भगवान। और यदि आप डोंगरे जी का नाम ना ले करके ये बात पूछते तो वो दूसरी बात हो जाए।
भगवान गुरु मंत्र का जप यात्रा व विषम परिस्थिति में कैसे करें, विधि क्या है, चरितार्थ करें, पूछने वाले हैं जबलपुर के आनंद मोहन दीक्षित। ऐसा है कि पहले आप श्री नर्मदा जी में मानसिक स्नान कर लीजिए, गंगा जी में मानसिक स्नान कर लीजिए, और मानसिक स्नान के बाद यात्रा में चाहे जहाँ भी हो बैठ जाए और अपने इष्ट मंत्र का जप करें। स्नान कई तरह के होते हैं, केवल जल से ही स्नान नहीं होता है, मंत्र स्नान होता है, मानसिक स्नान होता है, भस्म स्नान होता है, और सूर्य मंडल से अमृत की धारा मेरे ऊपर गिर रही है ऐसा स्नान भी होता है, और मेरे मूलाधार से एक ज्योतिर्मयी शक्ति उठ करके हमारे रग रग को स्नान करा रही है ऐसे भी स्नान होता है, अनेक अनेक प्रकार के स्नान होते हैं। तो आप मन से गंगा जी में, यमुना जी में या नर्मदा जी में एक डुबकी लगा के और पवित्र हो गया ये भावना करके अपने मंत्र का जप, मोटर में हो, कहीं भी बैठे बैठे मानसिक रूप से कर लीजिए, कोई बाधा नहीं है। त्रैक शरणों विद्वान मंत्र में सदा रहते। प्रश्न है, नाम बड़ा है या नाम वाला, ग्रह की महिमा और नाम वाले के बारे में कुछ समझाने की कृपा करें। भाई गोस्वामी जी ने 9 दोहों में नाम की महिमा का वर्णन किया है, और ऐसा लगता है कि आपने उसको पढ़ा जरूर है, क्योंकि जब ये पूछते हैं कि कौन बड़ा है तो उसमें को बड़ छोट कहत अपराधो, आपने पढ़ ही होगा है? तो जो अपराध आप नहीं करना चाहते हैं वो हमसे क्यों करवाना चाहते हैं। जो राम है सो उनका नाम है, जो नाम है सो उनका राम है, इसमें कोई फर्क मत करना। एक दिन हमको किसी ने बताया कि दो आदमी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, एक साथ ही साथ थे, तो एक आदमी को जब बाथरूम में जाना हो तो पूछे कि आपकी आज्ञा है मैं बाथरूम आऊं, तो एक दो बार चार बार लंबी यात्रा थी उसने पूछा, उन्होंने कहा हाँ जरूर जाइए। एक तीसरा आदमी सुन रहा, उसने कहा ये क्यों पूछते हैं आप समझ रहे हैं, बोले हम तो नहीं समझते हैं, ये जैन हैं, ये लोग जब बाथरूम में जाते हैं लघु शंका शौच आदि के लिए तो उसमें जीव हत्या होती है, जीव हिंसा तो पाप होता है, तो ये लोग अपने मन से नहीं जाते, किसी से पूछ के जाते हैं, तो इसीलिए जाते हैं कि वो हत्या उसको लगे, इसलिए जाते हैं। तो भाई मेरे ये राम और नाम जो है, बल्कि ऐसा भी बोलते हैं तो गोस्वामी जी ने तुलना ही बहुत की है राम और नाम में, उस बाल कांड के आरंभ में ही, तो आप वही उसको पढ़ लीजिए और उसमें बहुत बढ़िया रहेगा। प्रश्न है कि जब ब्रह्म सर्वव्यापक है, सब जगह है, फिर कहाँ से कहाँ को चलता है, जो बिनु पद चले सुने बिनु काना, एक जिज्ञासु से। देखो प्रश्न उल्टा, जब आप जानते हैं कि ब्रह्म व्यापक है और चलता फिरता नहीं है, ये बात आपको मालूम है, आपके अनुभव में है, हैं? तो फिर ब्रह्म को चलने फिरने की जरूरत ही क्या है। जिनको ये बात मालूम नहीं है उनके लिए ब्रह्म चलता फिरता है, बोला जिनको ये मालूम है अनुभव है उनके लिए ब्रह्म नहीं चलता फिरता, जिनको ये नहीं मालूम है उनके लिए इतना कृपालु है ब्रह्म कि वो कहता है कि भाई इनके लिए निराकार से साकार हो जाएं, अप्रगट से प्रगट हो जाएं, न्यायकारी से दयालु हो जाएं, और गिरे हुए को उठा लें, पिछड़े हुए को आगे बढ़ा लें, छोटे को बड़ा कर दें, इसके लिए परब्रह्म परमात्मा जो है वो करुणा निधान लोगों के कल्याण के लिए ऐसा करता है, और जो लोग व्यापक व्यापक करके और बैठे रहते हैं घर में उनके लिए ब्रह्म कुछ नहीं करता है।
व्यापक मानने वालों के लिए कुछ नहीं करता है, जो उसको परम कृपालु मानते हैं उनके ऊपर परमात्मा की कृपा बरस पड़ती है। सोई यज प्रेम भगति बस कई कौशल्या की गो, वो ब्रह्म प्रेम भक्ति के बस में होकर भक्तों की छोटी से गोद में आकर के बैठ जाता है। आप उसमें बिल्कुल शंका मत कीजिए, ये बिल्कुल साची बात है। अब ये है कि आप पूछेंगे हम ब्रह्म हैं तो बोलते कैसे हैं, ऐसे पूछो ना कि हम बोलते हैं तो ब्रह्म कैसे, हम ब्रह्म हैं तो बोलते कैसे हैं, ये प्रश्न नहीं है। हम बोलते हैं तो ब्रह्म कैसे, ये जिज्ञासु का प्रश्न है। तो नारायण से प्रभु निवेदन है कि नाम जप से तत्व ज्ञान हो सकता है या नहीं, पूछने वाले हैं ब्रह्मचारी महेशानंद जी। अच्छा, यदि तत्व ज्ञान की इच्छा से कोई नाम जप करेगा तो उसको अवश्य तत्व ज्ञान हो जाएगा, लेकिन असल में देखो वो गुरु के पास जाने में अपनी हेतु समझता है कि हम किसी के पास पूछने के लिए कैसे जाएं, हैं? अच्छा, वो नारायण अभिमान से भरा हुआ है, किसी पर उसका विश्वास नहीं है, तो उसको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो तब होगा जब छल छिद्र छोड़कर ईमानदारी के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, तो नाम कल्पतर है। जैसे वो सगुण भगवान का दर्शन करा सकता है या गोलोक वैकुंठ में साकेत में भेज सकता है, जैसे अंतःकरण शुद्ध कर सकता है, वैसे ही वो तत्व ज्ञान भी करा सकता है। निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान में जिसको प्रमाण कहते हैं उसी को सगुण ब्रह्म के साक्षात्कार में नाम कहा जा सकता है, नाम कहा जाता है, वो भी शब्द प्रमाण है और नाम भी शब्द प्रमाण ही है। शब्द प्रमाण के द्वारा जैसे निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, वैसे नाम रूप शब्द प्रमाण के द्वारा सगुण भगवान का साक्षात्कार होता है। तो नाम के बारे में ये पूछना कि उससे ये हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं, नाम चाहे तो भगवान को लाकर सामने खड़ा कर दे, नाम की नाम से कहो तो गुरु की प्राप्ति करा दे, नाम से कहो तो अंतःकरण को शुद्ध कर दे। अरे बाबा, नाम तो कल्प वृक्षों का भी कल्प वृक्ष है, उसको उसका एक बार आश्रय तो लो, रोसो जाहि दूसरो सो करो, मोहि तो राम को नाम कल्प करो, कलि कल्याण करो, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति करो, मोहि तो सावन के अंधे ज्यो सूझत हरो हरो, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति करो, मोहि तो सावन के अंधे ज्यो अंधे ज्यो सूझत हरो हरो, चाटत रहो स्वान पातरि ज्यो कबहुन पेट भरो, अब हाँ सुमिरत राम सुधारत पेकत परुष धरो, प्रीति प्रतीत जहाँ जाकी तह ताको काज करो, मेरे तो माय बाप दो आकर हाँ शिशुवरण यरो, शंकर साख जमरा चुकाओ कछु तव जरजी अगरो, अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी समझ करो। राम नाम से क्या नहीं हो सकता, पर ईमानदारी ईमानदारी से राम नाम का आश्रय लेना चाहिए, और ईमानदारी ना हो तब भी नाम जब करते रहे तो धीरे धीरे ईमानदार भी बना देगा, उसी के आश्रय से सब काम बन जाएगा। शास्त्रों में सात पुरी को मोक्ष दायिनी लिखा है, वेदों में लिखा है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती थी, काशी के लिए लिखा कि काशी मरणम मुक्ति थी। मरणम, कृपया अध्यात्म भाव से समझाओ। उनको अध्यात्म भाव नहीं आता, हम तो सीधी सीधी बात जानते हैं ना, तो जिनको सीधी बात पर विश्वास ना हो वो अध्यात्म का चिंतन करें। तो अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारावती पुरी चैव, द्वारावती पुरी 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 अलग नहीं है, है ना, पुरी अलग नहीं है, पुरी साथ में नहीं है, जगन्नाथ पुरी जो है वो सातों में नहीं है,
पुरी द्वारवती चैव सप्तैका मोक्षदायिका। अब रही बात ये कि मोक्ष जो है वो योगियों का मोक्ष कैवल्य रूप अलग होता है और वेदांतियों का कैवल्य, वेदांतियों के कैवल्य में अद्वितीयता का अनुभव है और योगियों के कैवल्य में असंग दृष्टा है अपने स्वरूप में स्थित, और भक्तों के सालोक्य सारूप्य सामिप्य सायुज्य सारष्टि ये सब मुक्तियाँ होते हैं। तो नारायण आपको यदि ये आग्रह हो कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है तो आप ऐसा मानो कि ज्ञान से कैवल्य मुक्ति होती है और इन पुरियों से सालोक्य सामिप्य आदि मुक्ति होती है ऐसा। लेकिन काशी के बारे में ये बात है कि काशी में ज्ञान हो जाता है, काशी में ये जो शंकर भगवान है वहाँ काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करम विशोकी तारकम ब्रह्म व्याचष्टे। काशी के लिए एक विधि जाका विधि सुगति न लिखी भाल ताका गति काशी पति कृपाल तब पुर तीज पतंग पावत। ऐसी काशी की महिमा है तो वहाँ ज्ञान हो जाता है, इसलिए काशी मरना मुक्ति है और पुरियों में सालोक्यादि मुक्ति की प्राप्ति होती है। परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में वंदना। मुंबई के श्री गिरधर भाई का प्रश्न है, निष्कर्म सिद्धि से बोध और ज्ञान में परानिष्ठा होती है, कृपया समझाइए। ऐसा है कि व्यवहार में जितनी भी सफलता मिलती है वो कर्म उपासना या योग से मिलती है। मानो जब हम अपने को कर्ता समझकर अधर्म का त्याग करते हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तब संसार की सिद्धि मिलती है। लेकिन परमात्मा स्वयं जो है वो किसी कर्म का फल नहीं, वो चाहे कि हम कर्म करके जैसे राज्य या स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे अपने कर्म के बल पर हम परमात्मा को प्राप्त कर लें ऐसा नहीं हो सकता। तो अब रही बात उपासना, तो उपासना भी मानसिक कर्म ही है और योग कर्म भी एक आध्यात्मिक कर्म है। कर्म में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो नित्य शुद्ध शुद्ध मुक्त परमात्मा का साक्षात्कार करा दे। इसलिए श्रुति है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एते अमृतत्व मानसो। किसी को भी कर्म से या प्रजा से या धन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, परमात्मा की प्राप्ति तो त्याग से ही हो सकती। तो ये त्याग जो है इसका वर्णन गीता में है, नैष्कर्म सिद्धि परमा सन्यासे नाधिक सिद्धि। और जगह सब जगह सिद्धि का वर्णन है, कर्मणि वैसं सिद्धि आस्तिका जनकादय सिद्धि विन्दति मानव स्वकर्मणा समभ्यस्य सिद्धि विन्दति मानव। कर्म से भगवान की आराधना करके सिद्धि मिलती है, कर्म से ही जनकादि ने सिद्धि प्राप्त की थी। तो सिद्धि तो मिल जाती है कर्म उपासना और योग से, परंतु जो परम निष्कर्म सिद्धि है वो कर्म उपासना या योग से नहीं मिलती है, संन्यास से मिलती है। संन्यास माने त्याग, न्यास देशाम तपसाम अतिरिक्तम आहु न्यास एवात्यरे न्यास एवात्यरे जयत। जब तक संसार में कुछ पाना रहता है तब तक कुछ करना रहता है। निष्कर्म सिद्धि जो है वो त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो। जब आत्मा के अतिरिक्त समग्र दृश्य का परित्याग हो जाएगा, जब सनासी अपनी वासना की सनासी
किसी भी दृश्य वस्तु को नहीं पकड़ेगी तब संन्यास के द्वारा निष्कर्म सिद्धि, निष्कर्म माने जो कर्म से परे है उसको कहते हैं निष्कर्म। कर्मणो निष्क्रांतम निष्कर्मम, जो कर्म से बिल्कुल परे है उसका नाम होता है निष्कर्मक, निरादय क्रांताद्यर्थ पंचम। और निष्कर्मणो भाव निष्कर्म्य, जो कर्मातीत वस्तु है कर्म से सर्वथा परे है उसका जहां अनुभव होता है उसको बोलते हैं निष्कर्म, और वो त्याग के बिना प्राप्त नहीं होता है। सिद्ध दिन प्राप्त हो जिता ब्रह्म तथा निबोध में समाज से नहीं कौनते निष्ठा ज्ञान से जा परा भुत्या विशुद्धया विस्तो भ्रत्यात्मा। ऐसे निष्कर्म सिद्धि का वर्णन है। शंकराचार्य जी के जब मंडन मिश्र जी शिष्य हुए तो लोगों को ऐसी शंका थी कि ये कर्म से बहुत बड़े ज्ञाता थे, अभी इनकी कर्म वासना छूटी नहीं होगी, छूटी नहीं होगी। तो ये हुआ कि फिर ये वार्तिक लिखेंगे भाष्य पर तो उसमें भी कोई न कोई कर्म की बात मिला देंगे। तब उनसे पहले कहा गया कि आप निष्कर्म सिद्धि लिखे, तो वार्तिक लिखने से पहले उन्होंने निष्कर्म सिद्धि नाम का एक प्रकरण लिखा, चार परिच्छेद उसमें है। और उसमें परमात्मा के साक्षात्कार के लिए कर्म का कोई साक्षात संबंध नहीं है और तत्वज्ञान होने के पश्चात भी कर्म का संबंध नहीं है, इसका बड़ा परिपुष्ट निरूपण है। तो जिनको निष्कर्म सिद्धि पढ़नी हो और वो पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद हुआ हुआ है और हिंदी में भी है और संस्कृत में उसकी बहुत बड़ी टीका है, सुरेश्वराचार्य जी महाराज का लिखा हुआ है। क्या एक सज्जन लिखते हैं कि कई कथा वक्ताओं को मुझसे सुना है कि महाभारत जो व्यास जी ने बनाया तो गणेश जी ने लिखा, रामचरित मानस टोडर मत ने लिखा, टोडर मत ने लिखा, पर श्रीमद भागवत श्रीमद वाल्मीकि रामायण का लेखक कौन बनाने वाला है, ये पूछ। हाँ भाई, ये चारों पांचों बातें हमको मालूम नहीं। तो गणेश जी ने लिखा ये बात तो लिखी मिलती है महाभारत और क्या पूछ, वाल्मीकि रामायण। हाँ, और टोडर मल लिखते गए जो स्वामी जी के हाथ के लिखे हुए भाई, अयोध्या कांड मिलता है, बाल कांड मिलता है, अयोध्या जी में अभी लोग दर्शन करने जाते हैं, श्रवण कुंज वाली प्रति जो गोस्वामी जी के हाथ की लिखी हुई है, और राजापुर में भी गोस्वामी जी के हाथ का लिखा हुआ एक कांड, एक जगह बाल कांड है एक जगह अयोध्या कांड है। एक दुल्हीपुर की प्रति है उसको भी कहते हैं गोस्वामी जी ने अपने हाथ से लिखा है। तो गोस्वामी जी टोडर मन से लिखवाते थे ये बात तो हमने कभी नहीं सुनी। हाँ, टोडर मल के घर में एक झगड़ा था और तो उसकी जब पंचायत हुई तो गोस्वामी जी को उसका पंच माना गया था, तो उन्होंने जो फैसला लिखा है अपने हाथ से वो गोस्वामी जी की हस्तलिपि मिलती है, बाकी वो टोडर मल से लिखवाते थे ऐसा तो नहीं है। हाँ, टोडर मल गोस्वामी जी की सेवा जरूर करते, और वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने स्वयं लिखी है, और श्रीमद् भागवत व्यास जी ने स्वयं लिखी है, उसमें किसी दूसरे लेखक की। पर ये आप क्यों जानना चाहते हैं, आप महाभारत पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, उसके लेखक को जानकर आपको किस परमार्थ की प्राप्ति होगी, कौन सा साधन बनेगा। तो आप भगवान की भक्ति कीजिए, तत्व ज्ञान प्राप्त कीजिए, गड़े मुर्गे उखाड़ने में काय को लगे। उन्हीं का एक प्रश्न और है, पूछते हैं कि गोलोक धाम में श्री कृष्ण है,
साकेत धाम में श्री राम है, वैकुंठ धाम में महाविष्णु या विष्णु है, क्या लोक और भगवान अलग अलग है या एक ही? देखो, भगवान के अनेक रूप हैं, सब नित्य हैं, उनके धाम भी नित्य हैं, ऐसा तो उपासक लोग मानते हैं, और जो स्मार्थ हैं वो ऐसा मानते हैं कि विश्व विराट से विलक्षण एक तेजस हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ की ये महिमा है कि उसको जो जिस भावना से देखता है उसी रूप में वो दिखाई पड़ता है। तो जो गोलोक और कृष्ण के भक्त हैं, उनको एक ही हिरण्यगर्भ श्री कृष्ण और गोलोक रूप दिखाई पड़ता है, और वही राम के भक्तों को साकेत और राम रूप दिखाई पड़ता है, और वही विष्णु भक्तों को विष्णु रूप, वही शिव भक्तों को शिव रूप और कैलाश मालूम पड़ता है। चीज है एक, वो सूक्ष्म समष्टि की उपाधि से जो चैतन्य है उसका नाम होता है तेजस, और हिरण्यगर्भ भक्तों की भावना के अनुसार वो पृथक पृथक दिखाई पड़ता है, और कौन ऊंचा है और कौन नीचा है और कौन बड़ा है और ये कौन छोटा है, ये तो आप जिसके पक्षपाती होंगे वही आपको बड़ा मिलेगा। एक देवी जी का प्रश्न पूछती है कि एक नारी आत्मानंद की प्राप्ति कठोर तपस्या द्वारा कैसे प्राप्त कर सके। आगे लिखती है, उनके ऊपर स्त्री शरीर के अनुसार कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो अपने आप पढ़कर समझ ले तो कैसे समझे? ऐसा है जी कि आप देवहूति का जो चरित्र है, कपिल देवहूति का चरित्र खूब पढ़िए और देखिए एक नारी कैसे जीवन मुक्त हो जाती है और जीवन मुक्त दशा में रहती है। तो कपिल जी ने जो देवहूति को उपदेश किए हैं, सो भी जो उनकी साधना है, त्याग है, सो भी और उनके जीवन मुक्त दशा का जो वर्णन है भागवत में, उसका खूब अध्ययन। नारी और नर का भेद भगवत प्राप्ति में नहीं होता, भगवान तो सबके ही हैं। वो जब गीत को भी मिल सकते हैं, मारीच को भी मिल सकते हैं, तो नारी को मिलने में तो कोई संदेह ही नहीं है। आप हृदय से परमात्मा का खूब खूब भजन कीजिए, प्रतिबंध आपके हाथ पर लग सकता है, आपके पांव पर लग सकता है, लेकिन प्रतिबंध आपके हृदय पर तो लग ही नहीं सकता। इसलिए अपने हृदय से खूब भगवान का भजन कीजिए। जो किसी को भी मिल सकता है वो नारी को भी मिल सकता है, फल में कहीं भी भेद नहीं। सोनी का लिखना है कि नियम और मर्यादा एक ही अर्थ में योग वाशिष्ठ में व्यवहार के रूप में उपयोग हुआ है, तो इसकी स्पष्टता अपेक्षित है। एक श्लोक भी है, युष्मदादि प्रणीतेन व्यवहारेण जंतव मर्यादा न विमुच्यन् काम न आतुम स्वमत काम न आतुम स्वमत। ऐसा है कि मर्यादाएं तो जाति की भी होती हैं, समाज की भी होती हैं, संप्रदाय की भी होती हैं, उनका पालन करना चाहिए, और नियम जो हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं स्वेच्छा से स्वीकार कीजिए, गुरु की स्वीकृति ले लीजिए और नियम का पालन कीजिए। स्वेच्छा स्वीकृतो बंधो निर्बंधायोपकल्पते, जो स्वेच्छा से अपने जीवन में बंधन लगाता है वो बंधन मुक्त हो जाता है। परिच्छया करतो बंधो बंधे से आप नारायण स्वेच्छा से नियम स्वीकार कीजिए अपने जीवन में। हम परधन नहीं लेंगे, परस्त्री को बुरी नजर से नहीं देखेंगे, किसी को दुख नहीं पहुंचावेंगे, स्वाध्याय तपस्या कीजिए, इंद्रियों का संयम स्वाध्याय कीजिए नारायण, और भी जो हो संतोष है और जो है तपस्या स्वाध्याय संतोष शौच और ईश्वर परिणाम भगवान का भजन कीजिए, अपने को पवित्र रखिए, तपस्या कीजिए, स्वाध्याय जप कीजिए,
बस और इनके द्वारा अपने जो कर्म हैं होते हैं उनको ईश्वर के प्रति समर्पित कीजिए। जब तक अपने में कर्तापन का भाव रहता है तब तक कर्म का फल अपने को भोगना पड़ता है, और जब अपना कर्तापन का भाव छूट जाता है तो कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। इसलिए जो अपने संप्रदाय की मर्यादा है उसका भी पालन कीजिए, और साथ ही साथ आपके जीवन में जो नियम है उनका भी दृढ़ता से, जो कष्ट आने पर अपने नियम का पालन करता है उसी का नियम पालन सच्चा है। वो तो नारायण जो कष्ट की दशा में अपने नियम का निर्वाह करता है नियम उसकी रक्षा करता है। अनुष्ठान स्वातंत्र संकटा याहिताग्नि नाम प्रत्यवाय गृहस्थता अग्निहोत्र का नियम ले लीजिए, देखिए आपके जीवन में क्या चमक आती है। बाबा दो घड़ी जियो चमक के जियो, और 100 बरस जीते रहे मुर्दा होकर जीते रहे उस जीने में क्या रखा है। एक सत्संगी भाई लिखते हैं कि कभी सत्संग कर लिया, कभी कोई पुस्तक पढ़ ली, उससे परमात्मा के बारे में जो जानकारी मिलती है उससे पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होती। पूर्ण शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। पूर्ण शांति प्राप्त करने के लिए पहले आपको संसार के व्यवहारों में शांति रखनी चाहिए। कोई गाली देता तो शांत रहिए, भूखे रहना पड़े तो भी शांत रहिए, आप जो चाहते हैं वो न मिले तब भी शांत रहिए। आपके मन के विपरीत कोई काम करता है या होता है तो उसमें भी शांत रहिए। जब आप व्यवहार की प्रत्येक परिस्थिति में शांत रहने लगेंगे तब व्यवहार की चिंता कम हो जाएगी और आपका मन भगवान की ओर लगेगा। तो सामान्य रूप से जो सत्संग करते हैं वो एक दूसरी चीज है, नारायण, और अपने मन से जो पुस्तक पढ़ते हैं आपको अच्छा लगे कि बुरा लगे पढ़ने वाले को बहुत होते हैं। देखो कल मैंने एक सरदार साहब को देखा, आपके मन में क्या कल्पना आती है, आपने भी शायद उनको देखा था या उनकी पगड़ी कैसी होगी और उनका कपड़ा कैसा होगा। जितनी सरदारों के बारे में आपकी जानकारी होगी वो आपके मन में आवेगी। तब हम जो किताबों में पढ़ते हैं उन शब्दों का अर्थ उतने ही हमको सूझता है जितना हम पहले से जानते हैं। अगर उससे परे की कोई बात आपको जाननी हो तो उसके लिए सत्संग करना चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तब आप व्यवहार में जो कुछ देखते हैं उससे विलक्षण बात आपको मालूम पड़ेगी। देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अरे ऐसा, और आपको जो लोग देखेंगे वो कहेंगे अरे ये कल का जो बेहोश सिंह था शेखुर सिंह था वो आज महात्मा हो गया, कल का चूहा सिंह आज महात्मा हो जाएगा। यदि वो व्यवहार में अशांत न हो, कोई मर है जी है आवे जा गाली से सुंदर हो गुरु हो नारायण कुछ खो है कुछ मिले, इन सब बातों को शांति से जो सहता जाता है उस शांत हृदय में परमात्मा का ज्ञान हृदय हो। शांति मनोमय प्रतिमा का क्या स्वरूप है और उनकी आराधना का क्या प्रकार है, फल भी उसका क्या होता है। 8 प्रकार की प्रतिमा मानसी सेवा उसी का उपयोग होता है। वैसे प्रतिमा बाहर हो तब भी उसमें भगवत्ता को मनोमयी ही है, और भीतर हो वही मनोमयी है। मनोमयी में एक स्थान विशेष चीज वो भी मनोमयी माने मन में
नाम में भी उसको संक्षेप करें, जैसे काशी है, फिर वाराणसी है, फिर अष्टवेदी है, फिर अगर संक्षेप विश्वनाथ है, एक जागृत स्वप्न सुषुप्ति और पुरी के अनुसार धाम बन गया क्षेत्र। अब उसमें जो भगवान की प्रतिमा वो प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है, क्योंकि जब धाम अप्राकृत हो गया तो भगवान मूर्ति अप्राकृत है, माने अप्राकृत बुद्धि हो। इसका है कि भगवान का मनोमय चिंतन करें तो प्रकृति संबंध से निर्मुक्त रूप में। अब उसमें जो आवाहन है केवल अभिव्यक्ति के अर्थ में ही आवाहन होगा, और विसर्जन तो हो गई मनोमय पूजा में, अभिव्यक्ति के लिए तो आवाहन है और विसर्जन है, क्योंकि वहाँ परमात्मा का विसर्जन क्या है, आत्मा से एकत्र, यही अंतिम स्थिति, यही है अहमेव शिवा अहमेव कृष्णा। तो भी केवल शब्द के रूप में नहीं, केवल भावना के रूप में, शब्द के रूप में। तो बीच में जो उपासनाएं हैं उनका उपासना के अंग है, उनको लोग अंगीकार कर लेते हैं। तो कुछ सामग्री चंद मिश्रित होती है, जैसे पुष्प है, दुर्वा है, चंदन है, अक्षत है, ये सब पृथ्वी के सार तत्व है। ये जो पृथ्वी का समग्र सार है उसको हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। इसी प्रकार जो रसमय पदार्थ है या जो उसमें पात्र है, अर्घ्य है, सब में आचरण है, सब में जल है, तो समग्र जल तत्व का जो सार है, माने प्राकृत जो उसका पांच भौतिक रूप है उसको छोड़ करके अपंचीकृत, और अपंचीकृत भी लौकिक जल जिसे पार्थिव ग्रह आचरण स्नान का तो कई कई विषय मिलता है। मानसिक सेवा में भगवान के अंग का जो प्रकाश चिंतन है, दिव्य चिन्मय, वही उसका स्नान है, और उनकी अंगज ज्योति का ही प्रावरण है। ऐसे में जितना रसमय भोग है वो सब पृथ्वी और जल का सार है, और दीपक है, प्रकाश है, वो सब तेजस तत्व का सार है, और जो वहाँ पंखा चलना है ये वायु तत्व का सार है, जो स्तुति बोलना है, घंटा बजाना है, ये सब आकाश तत्व का सार है। जब प्रतिमा मनोमयी होती है तो उसके लिए दार है, पंचों प्रकार, दसों प्रकार, षोडशों प्रकार, अष्टादशों प्रकार, विंशों प्रकार, चतुष्षष्ठ प्रकार, फिर राजों प्रकार, महाराजों प्रकार, और मन के द्वारा अपनी समग्र आसक्तियों का जो सार है, तो पुत्रा शक्ति, धना शक्ति, सारा शक्ति,
उनके विषय को छोड़ करके उसमें जो आसक्ति शुद्ध आसक्ति मात्र होती है वो भगवान के चरणों में प्रस्तुत करना, माने भगवान से करना। और बुद्धि का जो सार है विचार भगवत तत्व के बारे में, और अहम जो है वो भगवान से प्रकट न रहे, इस प्रकार जो भगवान की मनोमयी प्रतिमा का चिंतन है उसमें से प्राकृत बुद्धि निकाल दें। तो ये प्राकृत का अपवाद करके और मनोमयी मूर्ति में भगवत्व का जो तो संपद संपद उपासना में या ध्यास उपासना में, तो संपद उपासना में इसका अंतर्भाव करके परमात्मा की मनोमयी प्रतिमा की उपासना करते हैं। अब उसके लिए स्थान चाहिए, हृदय श्रेष्ठ है, धर्म को करेगा। और यदि कुंडली जागृत हो और नीचे के चक्रों का लय हुआ हो तो ऊपर गुरुदेव के आकार का चिंतन करना चाहिए, और उसमें भी भावना अब प्राकृत की ही होनी चाहिए। प्राकृत की मनोमयी उपासना का जो तंत्रों में विस्तार है उसको बहुत बड़ा उपनिषदों में भी इसके लिए अवसर स्थान पर मनोमयी यदि पांच उपासना ठीक ठीक पहले कर ली जाए इसे तो मनोमयी उपासना ऊट पटा हो जाए। इसलिए बाल जो उपासना के भी अपेक्षा होती है और परमात्मा को बाहर भी नहीं कर सब आज्ञा फिर करो दिए जा रहा बाहर भी अजन्मयी है और भीतर भी अजन्मयी है, क्योंकि बाहर और भीतर का जो भेद है वो देहो बाधिक है। देहो बाधिक ही बाह्य और अंतर का भेद है, और देह की उपाधि से ही मन में बाह्य अंतर की भी कल्पना होती है, और मन की उपाधि से आत्मा में बाह्य अंतर की कल्पना होती है। इसलिए मूल है भगवत बुद्धि, भगवत्वेन निश्चय हो जाना। तो स्थानम्ब जो भगवत जैसे अन्न का भोजन अपेक्षित है, वैसे संसार की वासना और आसक्ति मिटाने के लिए भगवत रस अपेक्षित है।